स्टोटी एजेंसीज द्वारा जो है अगले आने वाले 48 घंटों के लिए जो है जम्मू प्रोविंस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि पिछले 76 घंटों में 3 आतंकी हमले हुए, जिसमें सबसे पहला हमला जो है वो आपने देखा कि रियासी के शिवखोड़ी में हुआ, जिसमें 9 यात्री उनकी जो है हत्या की गई, और उसके बाद जो है कठुआ के हीरानगर के सड्डा गांव में जो है टेररिस्ट अटैक हुआ, लेकिन उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, 2 आतंकियों को ढेर किया। और उसी के साथ साथ डोडा में जिस तरीके से एक कैंप के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें 5 जवान इंजर्ड हुए और 1 जो है पुलिस का कर्मचारी वो भी इंजर्ड हुआ। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस तरीके के आतंकी हमले देखे जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यहाँ पे हाई अलर्ट किया गया है। इसमें जम्मू प्रोविंस की बात करें, इसमें अगर राजौरी की बात करें, इसमें अगर पुंछ की बात करें, और जितने भी आप देख रहे हैं इलाके हैं जम्मू प्रोविंस में, उन सबको जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। आपको बता दें कि बड़े आतंकी हमले जो कि पिछले 72 घंटों में देखने को मिले, उन 72 घंटों के बाद जो है अगले आने वाले 48 घंटों के लिए जो है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा जो है पूरे जम्मू प्रोविंस को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे जवान किस तरीके से लगातार अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो आर्मी कैंप्स है, पुलिस कैंप है या सीआरपीएफ कैंप है, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सतर्क किया गया है। आज सुबह भी ये खबर निकल के सामने आई कि नौशहरा के कलाल में कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद उन संदिग्ध के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरीके से गाड़ियों को भी चेक कर रहे हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो आने वाले 48 घंटे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो है सारी एजेंसीज को भी सतर्क रखा गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सतर्क रखा गया है, हर ब्रिज में जो है वो नाका लगाया गया है। आप देख रहे हैं हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शर्मनाक हरकत जो है पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, और इस शर्मनाक हरकत में हमारे काफी यात्री भी मारे गए जो कि हमारे मेहमान थे। आपने देखा कुछ यूपी से आए हुए, उनकी मौत हुई, और अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है किस तरीके से हर गाड़ी को जो है यहां पे चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, डिक्की चेक की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि अगर आपको कोई अननोन व्यक्ति दिखता है तो आप जरूर पुलिस तक इतला दें। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई इस तरीके का व्यक्ति घूम रहा है तो आप पुलिस को जो है वो जरूर इतला दें। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राजौरी से कि किस तरीके से प्रॉपर वे में जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पिछले 72 घंटों में 3 वाक्य आपने देखा हुए। पूछा जा रहा है, हर एक की शनाख्त चेक की जा रही है कि आखिरकार आप कहां से आए हैं, कौन हैं। ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि ये अगले आने वाले 48 घंटे में भी देखी जा रही है, आने वाले समय में भी
अमरनाथ यात्रा भी है, उसके भी एलजी मनोज सिन्हा ने जो है मीटिंग रखी। और आज जो आपने देखा किस तरीके से दो आतंकियों को जो न्यूट्रलाइज किया गया, लगातार तस्वीरें आप इस वक्त राजौरी से देख रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है बोला गया है कि हर एक व्यक्ति भी जो है वो सतर्क रहे। आपने देखा एडवाइजरी भी जारी की गई, जम्मू एसएसपी का नंबर भी दिया गया, जितने डीएसपीज हैं, जितने इंस्पेक्टर्स हैं, सबका नंबर जो है वो दिया गया। और अभी आप लाइव तस्वीरें इस वक्त राजौरी से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस हाई अलर्ट सिक्योरिटी को जो है बतौर निभाया जा रहा है। और आने वाले 48 घंटे बताए जा रहे हैं कि जो कि जम्मू प्रोविंस के लिए काफी भारी है, चेक की जा रही है हर गाड़ी। Thank you.